अभिनेता जॉन अब्राहम ने सोमवार को कहा कि उनकी आने वाली फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर कोई राष्ट्रवाद या ढिंढोरा पीटने वाली फिल्म नहीं है और वह खुद भी ऐसी कट्टर देशभक्ति वाली फिल्मों से दूर रहना चाहते हैं। रॉबी ग्रेवाल निर्देशित ये फिल्म जासूसी रहस्य रोमांच की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म की कहानी एक जासूस की है जो पाकिस्तान जाता है। उन्होंने कहा, अच्छी कहानियों वाली फिल्में बनना ज़रूरी है। अगर कल कोई अच्छी देशभक्ति से प्रेरित फिल्म बनती है तो मैं उसमें ज़रूर काम करना चाहूँगा, लेकिन मैं कट्टर देशभक्ति वाली फिल्में नहीं करना चाहता। मैं किसी भी देश का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। यहाँ पत्रकार से जॉन ने कहा, मैं धर्म निरपेक्षता का समर्थक हूँ और ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो इस देश की वास्तविक प्रकृति को दिखाए। अभिनेता ने कहा कि फिल्म लोगों को एक उद्देश्यपूर्ण नज़रिए से देखती है और यह किसी को किसी खास धारणा के रंग में रंगती नहीं है। उन्होंने कहा, यह एक उद्देश्यपरक फिल्म है। फिल्म में कोई बुरा या अच्छा नहीं है, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं यह बस उसी को दिखाती है। हम लोग किसी का कोई और या पक्ष या बुरा पक्ष नहीं दिखा रहे हैं। ये एक जासूसी की कहानी है जो सीमा पार चला जाता है, लेकिन इसकी कहानी राजी या अन्य कहानियों से अलग है। जॉन ने कहा, यह कोई कट्टर देशभक्ति या झंडे को सलामी देने वाली कोई पारंपरिक फिल्म नहीं है, यह अलग तरह की फिल्म है और इसलिए हमें इस फिल्म से जुड़ने पर गर्व है। वैसे आपका इस फिल्म के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।